लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान का रांची एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। चिराग लातेहार में जनहुंकार रैली के दौरान चुनावी बिगुल फूकेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने आप को मजबूत काफ़ी हद तक कर चुकी है। पार्टी की राज्य कोटाई का ये फैसला होगा कि पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है या अकेले चुनाव लड़ना। बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहाँ वहाँ पर पार्टी का संगठन मजबूत है और पार्टी जहाँ पर कार्यक्रम चाहे उस दृष्टि से आने वाले दिनों में हमारे कई कार्यक्रम आगे लगेंगे। आज 23 तारीख को हम लोग का कलामू में भी कार्यक्रम है। आगामी 29 तारीख को फिर हम अपने यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, धनबाद में कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 6 को जमशेदपुर में कार्यक्रम, आने वाले दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम और साथ ही कार्यक्रमों के दौरान ही राज्य इकाई का ये फैसला भी तय किया गया कि चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी राजस्थान का सर सीएम। ये घटना जितनी चिंताजनक है उतनी निंदनीय भी है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की घटना ठेस पहुँचाया गया, ऐसी घटना किस कतई बर्दाश्त हो सकती है। इसमें जो भी कोई दोषी हो, ये विश्वास सरकार आपको दिलाना चाहती है कि जो भी कोई इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कभी